नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीनिया आपके साथ। एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स टीचर्स डे ऑन सितंबर 5, विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्यू लाइंस फॉर आर टीचर्स ऑन टीचर्स डे। थैंक यू फॉर कंटिन्यूअली इंस्पायरिंग अस टू डू आर बेस्ट। यू हेल्प अस स्ट्राइव फॉर गोल्स। वी फाउंड गाइडेंस, फ्रेंडशिप, डिसिप्लिन एंड लव, एवरीथिंग इन वन पर्सन, and that person is only teacher. Happy Teachers Day to all. तो चलिए अब शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। फसल क्षति का मिलेगा मुआवजा, मंत्री ईश्वर खंडे ने दिया आश्वासन। शुक्रवार को बीदर की जामिया मस्जिद में वक्फ बिल पर जलसा। सीएम सिद्धरामैया ने मंत्रियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया, कुर्सी सुरक्षित करने की स्थिति मजबूत। रेणुका स्वामी हत्या मामले में 3991 पन्नों की चार्जशीट में अभिनेता दर्शन को आरोपी नंबर 2 बनाया गया। लिंगायत और इस्लाम में समानताएं, मठाधीश पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और सरकार द्वारा नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। पर्यावरण एवं जीव विज्ञान तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, वह गुरुवार को बारिश से क्षतिग्रस्त हुए बीदर तालुके के चिंकोर मलेगांव और हमीरापुर गांव की फसलों और घरों को देखने के बाद बोल रहे थे। किसान हमारे देश की रीढ़ है, हम उनकी दुर्दशा में हैं। उन्होंने कहा कि मांजरा नदी के किनारे बसे चिंकोर गांव के किसानों की जमीन बाढ़ के दौरान अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके लिए स्थायी मुआवजा देने के काम किया जाना चाहिए। बारिश से क्षतिग्रस्त जमीन और मकानों के लिए सरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन को नुकसान की जानकारी जुटाने और सरकारी मानदंडों के अनुसार राहत प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बड़ोले, गारंटी योजनाओं के जिला कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिंकोड़े, बीदर सहायक आयुक्त सुरेखा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जियाउल्लाह के अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हैं। बीदर शहर की जामिया मस्जिद में आज विभिन्न जमातों ने एक बैठक की और यह तय किया कि कल शुक्रवार को जामिया मस्जिद में एक जलसा का आयोजन किया जाए, जिसमें उलमा केंद्र के वक्फ बिल के संबंध में जानकारी देंगे। लोगों से अपील की गई कि वह कल जुम्मे की नमाज जामिया मस्जिद में अदा करें और इस जलसे में शामिल हो। जलसे में केंद्र सरकार की वक्फ बिल पर चर्चा और उसके संबंध में जानकार और उलमा तफसील से जानकारी देने जा रहे हैं। इस मौके पर जामिया मस्जिद समिति, बेटरमेंट फाउंडेशन, ईदगाह समिति, खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदार और अन्य मौलाना और उलमा मौजूद है। इस मौके पर मौलाना नजीर अहमद शकील ने बात की। बीदर शहर के मैलूर में रहे सरकारी स्कूल की हालत खराब है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल परिसर में जंगली घास उग गया है और साथ ही चौदीवारी सहित अन्य समस्या है। स्कूल की एसडीएमसी समिति ने डीडीपीआई को ज्ञापन देकर स्कूल में व्यवस्था को ठीक करने का आग्रह किया, लेकिन स्कूल की हालत खराब है और यह विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। इस खराब व्यवस्था में बच्चे पढ़ाई करने पर मजबूर है। इस संबंध में उर्दू और कन्नड़ स्कूल के समिति के अध्यक्ष अब्दुल खादिर और शालिवन बडियार ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। आज के इस कॉम्पिटेटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU अफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036। और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज, एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोर्नली बीदर अफिलेटेड टू CBSE, कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री पद में बदलाव की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने मंत्रियों को एकजुट रखने के लिए चालाकी भरी रणनीति अपनाई। उन्होंने हाल ही में मंत्रियों के एक वर्ग, खास तौर पर गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार के साथ डिनर मीटिंग की। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री AKS मुनियप्पा समेत अन्य मंत्रियों और डिनर मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले नेताओं को भी विश्वास में लिया। सिद्धरमैया अपनी कुर्सी को हिला रहे मूड़ा साइट आवंटन मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए अब पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित तौर पर हुई अनियमितताओं के पुराने मामलों को फिर से खोलकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कोविड से निपटने में करीब 7200 करोड़ रुपए की अनियमितताओं पर जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्यवाही पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार के पास पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले पर जस्टिस बी वीरप्पा आयोग की रिपोर्ट भी है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इन रिपोर्टों को पेश करने पर चर्चा करेगा। रेणुका स्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ 3991 पृष्ठों का आरोप पत्र बुधवार को यहां 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ACMM अदालत ने पेश किया गया। पवित्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि दर्शन को आरोपी नंबर 2 बनाया गया। कामाक्षी पाया पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें 231 गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनमें से 3 प्रत्यक्ष गवाहों के बयान हैं। इसमें मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए 27 लोग, 56 पुलिसकर्मियों, 8 अन्य सरकारी अधिकारियों और 97 स्वतंत्र गवाहों के बयान भी शामिल हैं। हैदराबाद की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की 8 रिपोर्ट भी आरोप पत्र में शामिल की गई है। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने पत्रकारों को बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की गई है। उन्होंने कहा, इस मामले में तहसीलदार, डॉक्टर, RTO अधिकारी और सरकारी इंजीनियरों को गवाह बनाया गया है।
जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा से संबंधित रिपोर्ट अभी CFSL से प्राप्त होने बाकी है। उन्हें अतिरिक्त चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। चार्जशीट में कहा गया है कि पीड़िता ने एक फर्जी इंस्टाग्राम ID @GautamKS1990 का इस्तेमाल करके आरोपी नंबर 1 पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे। ये संदेश रेणुका स्वामी की हत्या के पीछे की वजह थे। इंस्टाग्राम से मिली जानकारी को चार्जशीट में शामिल किया गया है। श्री ताराला बालू शाखा मठ के मठाधीश पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि लिंगायत और इस्लाम धर्मों में समान तत्व है। वे जमात इस्लामी हिंद द्वारा तारा सुरंग मंदिर में कुरान पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लिंगायत और इस्लाम भले ही अलग अलग धर्म हैं, लेकिन उनमें कुछ समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि लिंगायत धर्म अनेक देवताओं की पूजा और मूर्ति पूजा से इनकार करता है, लेकिन यह इष्टलिंग पूजा की वकालत करता है। इसी तरह इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने भी लोगों को यही संदेश दिया है। पैगंबर ने मुसलमानों से कहा कि वे मूर्तियों की पूजा ना करें, बल्कि केवल अल्लाह की उपासना करें। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने एक ईश्वर अनेक नाम के सिद्धांत को बढ़ावा दिया है, लेकिन लोग अभी भी अपने बीच दीवारें खड़ी कर रहे हैं और अपने चारों ओर बाढ़ बना रहे हैं। इसलिए तर्कवादियों को ऐसी दीवारें और अवरोधों को ध्वस्त करना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करने की आदत विकसित करनी चाहिए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा हाईकमान द्वारा चन्नपटना उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर फैसला केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी पर छोड़ दिए जाने के बाद पूर्व मंत्री और MLC UCP योगेश्वर के NDA उम्मीदवार बनने की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। JDS ने योगेश्वर से सीधा सवाल किया है कि मौजूदा MLC होने के बावजूद यह उपचुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। JDS युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष निखिल कुमार स्वामी ने बुधवार को कोप्पल में संवाददाताओं से कहा, हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की है और उपचुनाव के तारीख घोषित होने के बाद हम फैसला लेंगे। MLC के रूप में योगेश्वर का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। सूत्रों के अनुसार JDS उन्हें अपने पार्टी चिन्ह पर भी मैदान में नहीं उतारना चाहती। हालांकि वह इसके लिए तैयार है क्योंकि पार्टी या तो कुमार स्वामी के परिवार के किसी सदस्य या चन्नपटना तालुका JDS अध्यक्ष जयमुट्टू या हॉपकॉम्स देवराज सहित वफादार पार्टी नेताओं को मैदान में उतारना चाहती है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को रायचूर जिले के कपागल में एक वाहन और सरकारी बस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई और कम से कम 3 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना में कई अन्य बच्चे घायल हो गए जिनका निकटवर्ती अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के समय बस लोयोला स्कूल के छात्रों को लेकर जा रही थी। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा के अध्यक्ष के मैरी गौड़ा को गंभीर तकलीफ के बाद मैसूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार से बेंगलुरु जाते समय मैरी गौड़ा में थकावट और काफी परेशानी के लक्षण दिखे। शुरुआत में उन्हें बेंगलुरु में भर्ती कराया गया, बाद में उन्हें विशेष उपचार के लिए मैसूर ले जाया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ मजबूत संबंध रखने वाले मैरी गौड़ा को
मूड़ा के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका संभालने के बाद से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा, जिसने मुख्यमंत्री के लिए मामले को जटिल बना दिया। हाल ही में मैसूर कांग्रेस के नेता एम सिद्धेगौड़ा ने मैरी गौड़ा पर मूड़ा संकट को बढ़ाने का आरोप लगाया और उपायुक्त और मूड़ा उप आयुक्त के साथ उनके पत्राचार को उनके कुप्रबंधन का सबूत बताया। सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कथित मूड़ा घोटाले में निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब साइट आवंटित की गई थी तब सिद्धरामैया मूड़ा को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं थे। बुधवार को यहाँ यतिनखोल परियोजना स्थल का दौरा करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी तब भाजपा और जेडीएस विधायकों की उपस्थिति में एक बैठक में प्रस्ताव पारित कर मूड़ा स्थलों का आवंटन किया गया था। विधायक आरवी देशपांडे की सीएम बनने की इच्छा का जिक्र करते हुए राजन्ना ने कहा कि यह पद खाली नहीं है। कई नेता सीएम की कुर्सी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन यह पद के लिए झगड़ा करने का समय नहीं है। कथित मूड़ा घोटाले को उछालकर विपक्षी दल सिद्धरामैया की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राज्य में पिछड़े वर्ग के सबसे मजबूत नेता हैं। राजन्ना ने कहा कि कांग्रेस चन्नपटना उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा मान रही है और सभी नेता सीट जीतने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ चर्चा के बाद उम्मीदवार को अंतिम रूप देगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फसल क्षति का मिलेगा मुआवजा, मंत्री ईश्वर खंडे ने दिया आश्वासन। शुक्रवार को बीदर की जामिया मस्जिद में वक्फ बिल पर जलसा। सीएम सिद्धरामैया ने मंत्रियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया, कुर्सी सुरक्षित करने की स्थिति मजबूत। रेणुका स्वामी हत्या मामले में 3,991 पन्नों की चार्जशीट में अभिनेता दर्शन को आरोपी नंबर 2 बनाया गया। लिंगायत और इस्लाम में समानताएं, मठाधीश पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।